हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के स्टूडियो में आपको मैं जिस मूवी के बारे में बताने वाला हूं, रिव्यू करने वाला हूं, उसका नाम है 3 बिलबोर्ड आउटसाइड इविंग मिसूरी। ये मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी की अगर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो इस मूवी को IMDb में 8.2 की रेटिंग मिली है और इसे रोटेन टोमेटो में 90% फ्रेश बताया गया है। और इस मूवी को 7 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से इसने 2 ऑस्कर जीते भी। इसने ऑस्कर बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए जीता था। इस मूवी की बजट 15 मिलियन थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 160 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी ने। इस मूवी को आपको अपने लाइफ में एक बार तो जरूर ही देखनी चाहिए। बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के मेन कास्ट में हमें फ्रांसिया मैकडोरमेंड दिखती हैं, जिन्होंने इस मूवी में मिल्ड्रेड हैरिस का किरदार निभाया है। इस मूवी में हमें उन्हीं का स्टोरी दिखाया गया है कि वो किस प्रकार से अपनी बेटी, जिसका कि रेप करके मार दिया गया था और उसे जला भी दिया गया था, उनके क्रिमिनल्स को 7 महीने हो जाने के बाद भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। और इस बात से मिल्ड्रेड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था पुलिस के प्रति, और वो अपने इस गुस्से को जाहिर करने के लिए 3 बिलबोर्ड्स किराए पर लेती है। वो एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड की तरह रहता है और वो उस बोर्ड में पुलिस की निंदा करते हुए लिखती है कि 7 महीनों के बाद भी उसके बेटी के रेपिस्ट को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया है। इनके अलावा हमें इस मूवी में पुलिस चीफ के रोल में विली विलोबी को दिखाया गया है, जिनका रोल वुडी हार्लेसन ने किया है। पुलिस चीफ विली विलोबी को अपने शहर में बहुत ही अच्छा इमेज के साथ जाना जाता है। वो एक बहुत ही अच्छे पुलिस मैन की तरह जाने जाते हैं अपने शहर में। उनकी काफ़ी इज्जत होती है, पर उनके कई कोशिशों के बावजूद भी वो रेपिस्ट को नहीं पकड़ पाते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि विली को एक गंभीर बीमारी होती है, कैंसर, जिससे कि उनकी ज़िंदगी कुछ ही समय की बची हुई रहती है। और इसी समय मिल्ड्रेड के द्वारा बिलबोर्ड लगाए जाने से वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन पर भी बहुत दबाव होता है इस केस को लेकर। और मिल्ड्रेड के द्वारा बोर्ड लगाए जाने के बाद जो उनके साथ रहते हैं, मिल्ड्रेड के साथ खड़े रहते हैं, वो भी मिल्ड्रेड से दूर हो जाते हैं, क्योंकि मिल्ड्रेड के द्वारा की गई ये हरकत बहुतों को पसंद नहीं आती, क्योंकि पुलिस चीफ भी एक बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं वहाँ के। इस मूवी में डायरेक्टर ने ऑडियंस के साथ बहुत ही बुरा गेम खेल दिया है कि आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें कौन सही है। मिल्ड्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचोगे तो दोनों सही होते हैं, दोनों अपना काम करते रहते हैं। इनके अलावा इस मूवी में हमें सैम रॉकवेल भी दिखते हैं, जिन्होंने इस मूवी में ऑफिसर जेसन डिक्सन का रोल निभाया है। उनका इस मूवी में रोल बहुत ही अच्छा दिखाया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में उसे पेश किया गया है। वो अपने चीफ की बहुत इज्जत करता था पर बाकियों की इज्जत नहीं करता था। उसके बोलने का तरीका और व्यवहार किसी से भी अच्छा नहीं था। वो कभी भी मारपीट करने लग जाता था और पुलिस होने का रौब दिखाता आम जनता पर। पर जिस प्रकार से आगे उसे दिखाया गया है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से उसके स्टोरी को बिल्ड किया गया है। शुरुआत में हमें उसे एक नेगेटिव रोल में दिखाया गया है, पर जिस प्रकार से उसकी स्टोरी आगे दिखाई गई है, उसका कैरेक्टर को डेवलप किया गया है, वो भी काफ़ी कमाल का है। अब जिस प्रकार से हेट उससे शुरुआत में करोगे, बाद में वो कैरेक्टर आपको उतना ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस वीडियो में इस मूवी के बारे में इतना ही मैं बता सकता हूं, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो आपको ये मूवी देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इस मूवी के बारे में इतना ही। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी ये मूवी देख सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी इस प्रकार के मूवी आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।